हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नई वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज ML 354 मैटिक आई हुई है। हम आपको बताते हैं कि उसमें काम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारी गाड़ी आगे से पूरी तरह से बैठ चुकी है। ये देख सकते हैं, दोनों तरफ से पूरी तरह से बैठ चुकी है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, पूरी तरह से बैठ चुकी है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एक बार हम गाड़ी स्टार्ट करके टेस्ट करते हैं कि ये गाड़ी हाइट होता है कि नहीं होता है। अंसारी जी, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने गाड़ी स्टार्ट किया है। ये देख सकते हैं इस मोटर का साउंड। ये जो हाइट करने वाला मोटर आता है, वो लगता है पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसके अंदर का बॉल बैरिंग वरिंग जो भी है वो टूट चुका है। तो हम इस मोटर को ओपन करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने गाड़ी को हाइट पे ले लिया है। अब इसका हम राइट साइड का व्हील खोलेंगे और इसके बाद एक फेंडर लाइनिंग हाफ गोला ओपन करेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसका मोटर कहाँ पे आता है। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं, सबसे पहले इसका व्हील आप बाहर निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसका हाफ फेंडर लाइनिंग जो है, जिसे गोला कहते हैं, उसे ओपन कर दीजिएगा। फिर आपको दिखेगा मोटर, ये देख सकते हैं, ये इसका एयर वैक्यूम मोटर है। ये मोटर से जो आपका चारों सॉकअप है, उसमें एयर भरता है, जिससे आपका गाड़ी हाइट होता है। इसे हम बाहर निकाल कर चेक करेंगे कि इसमें फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, कि गाड़ी हाइट नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसका मोटर ओपन कर रहे हैं। चीज में कट देता है, मालूम है क्यों? कट का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसमें 3-10 का नट आता है और एक अंदर से मेन पाइप जो आता है वो 12 नंबर का आता है। 3-10 का नट और एक मेन पाइप आप खोल के और 2 सॉकेट निकाल के इसे बाहर आप ओपन कर सकते हैं। हम सोच रहे थे आकर इसका वीडियो बनाते, देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इस मोटर को बाहर ले लिया है। दूसरा सॉकेट भी बाहर निकालिए, पाइप को बाहर निकालिए। चलिए बाहर ले लीजिए मोटर। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने मोटर को बाहर ले लिया है। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, यहाँ पे एक 10 नंबर का नट लगता है, यहाँ पे एक लगता है और यहाँ पे एक लगता है। 3 बोल्ट 10 का नट आप ओपन करके इसे बाहर ले सकते हैं। और इधर 2 सॉकेट आता है, देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, एक और ये 2 सॉकेट और ये आपका मेन पाइप। ये मेन पाइप इसमें हवा भरता है और ये मोटर से फिर चारों आपको सॉकअप को जो हवा पास होता है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हाइट हो रहा है, मोटर का प्रॉब्लम है या अंदर बैरिंग वरिंग टूट गया है, क्या हो गया है। जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था कि ये मर्सिडीज जो गाड़ी है, इसका हाइट नहीं हो रहा था, जिसके लिए हमने इसका मोटर को खोला था। एयर वैक्यूम मोटर जो आता है, ये आप देख सकते हैं। तो हमने इसे चेक किया है खोल के, ये मोटर रिपेयर नहीं होएगा। इसके लिए हमने ये नया मोटर अरेंज किया है, जो हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं, हमने नया मोटर अरेंज किया है। अब
इस मोटर को हम गाड़ी में फिट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा गाड़ी जो डाउन हो गया था वो हाइट होता है कि नहीं होता है। हम आपको इसको फिट करके दिखाएंगे। ये देख सकते हैं नया मोटर है, ये जूना मोटर है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हम इसका मोटर फिटिंग कर रहे हैं। मोटर फिटिंग करके और उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे डाउन करके और चेक करेंगे कि गाड़ी का हाइट होता है कि नहीं होता है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने मोटर का तीनों बोल्ट टाइट कर दिया है। इसमें दो सॉकेट आता है वो भी लगा दिया है और इसमें एक मेन पाइप आता है उसे भी हमने फिट कर दिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेन पाइप है जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा मोटर पूरी तरह से फिट हो चुका है। क्या होगा भी तो नहीं डाला रहेगा ना पंडित? जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने एयर वैक्यूम जो मोटर है इसे पूरी तरह से प्रॉपर फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं पाइप में भी हमने क्लिप से टाइट कर दिया है। इसका जो तीनों नट आता है 10 का उसे भी प्रॉपर टाइट कर दिया है। इसका दिखाते हैं हम आपको, ये जो दो सॉकेट है फ्रेंड आप देख सकते हैं इसे भी प्रॉपर हमने फिट कर दिया है। ये जो मेन पाइप है इसे भी प्रॉपर हमने फिट कर दिया है। ये मेन पाइप से इसका जो वाल आता है उसमें मेन पाइप से वाल में हवा भरता है और वो वाल चारों सॉकअप जो है आपको उसमें हवा सप्लाई करता है। इसे भी हमने प्रॉपर फिट कर दिया है आप देख सकते हैं। अब हम इस गाड़ी का व्हील लगाएंगे और डाउन करके फिर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि हाइट होता है कि नहीं होता है। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं इसका व्हील हम फिट कर रहे हैं। व्हील फिट करने के बाद फिर गाड़ी डाउन करके फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये गाड़ी हाइट होता है कि नहीं होता है। देख सकते हैं फ्रेंड हमने अब गाड़ी स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ रहा है। आपको हम थोड़ा और नज़दीक से दिखाते हैं। हम आपको दोनों बाजू का हाइट दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड दोनों बाजू से हमारा गाड़ी हाइट हो चुका है। ये देख सकते हैं जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था हमने इस मर्सिडीज़ फॉर्मेटिक का एयर मोटर फिट कर दिया है और हम अब आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि इसका हाइट होता है कि नहीं होता है। अंसारी जी गाड़ी स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा मोटर वर्क हो चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी हाइट होता है कि नहीं।
देख सकते हैं आप, ये देखिए कैसा हाइट हो रहा है। हमारा मोटर भी काम कर रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड। और आपको और नज़दीक से दिखाते हैं, ये हमारा मोटर भी कटअप हो चुका है हाइट होके। अब हम इसका लीकेज टेस्ट करेंगे कि कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। मेन पाइप में थोड़ा लगाइए, मोटर में जो मेन पाइप आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मोटर का मेन पाइप है, वहाँ भी हम लीकेज टेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमने इसे फिट कर दिया है और किसी प्रकार का कोई भी लीकेज नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने जितने भी पाइपलाइन है वो सारे टेस्ट कर लिए हैं। ये मोटर ख़राब होने के वजह से इसका हाइट बैठ गया था, इसमें लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मोटर रिप्लेस कर दिया है, हमारा गाड़ी हाइट भी हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब हमारा गाड़ी पूरी तरह से ओके है। अब हम इसे फाइनल कर कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसका बम्पर भी खोला था लीकेज टेस्ट करने के लिए, किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है। अब इस गाड़ी को हम फाइनल करेंगे और कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये मर्सिडीज फॉर्मेटिक 350 हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। ये गाड़ी में प्रॉब्लम था कि इसका हाइट नहीं हो रहा था, आप देख सकते हैं हमने इसका एयर मोटर जो आता है उसे चेंज किया है। अब हमारा हाइट प्रॉपर तरीके से हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। हम आपको चारों बाजू का दिखाते हैं हाइट। देख सकते हैं फ्रेंड, अब ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। देख सकते हैं। और एक बात है फ्रेंड, हम कोशिश करेंगे कि इससे जो आगे का नेक्स्ट वीडियो हो वो अच्छे से अच्छा बनाकर आपके सामने पेश कर सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ आपको कमेंट में पूछना है तो बेझिझक हमसे